दो हजार तेरह का सवाल है इट सेज अ वेक्टर ए बी एंड सी आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट सी इक्वल टू जीरो विल बी नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं पहली कंडीशन अपने को दी है कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज ए जो है वो आपका परपेंडिकुलर होएगा बी वेक्टर से बिकॉज दो वेक्टर जो आपके ऑर्थोगोनल होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा यानी कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है राइट दूसरी कंडीशन अपने को दी है कि ए डॉट सी इक्वल टू जीरो ए डॉट सी इक्वल टू जीरो इसका मतलब हो गया ए इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर तो ए आपका बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है ए आपका सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है अब इन चार चॉइसेस में हमें बताना है कि ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा नाउ अगर इसमें नोटिस करेंगे ऑप्शन नंबर सी विच इज बी क्रॉस सी तो अगर ये अपना बी वेक्टर है ये अपना अगर सी वैक्टर है तो b क्रॉस c जो वेक्टर आएगा a वेक्टर होएगा वो a वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होएगा जिसमें b और c एग्जिस्ट करते हैं सो so अगर मान लीजिए रेड वाला आपका आ, b वेक्टर है ब्लू वाला c वेक्टर है सो so b क्रॉस c जब हम करेंगे तो b a वेक्टर जो कि आपका ब, आ, b के भी परपेंडिकुलर सी के भी परपेंडिकुलर है सो so ये वैक्टर आपका बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होएगा हैंस ऑप्शन नंबर सी बी क्रॉस सी विल बी द राइट आंसर